हम आए हैं गौरव भैया के पास। और आलू की क्या पोजीशन बन रही है आज, कैसी ग्राहकी रही और कहां कहां से कितनी गाड़ियां देखने को मिल रही है, क्या बाजार रहने वाले हैं, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए जान लेते हैं गौरव भाई से आज का अपडेट। कैसे हो गौरव भैया? बस बढ़िया यादव जी, एकदम। तो सर आज आलू में क्या अपडेट रहा सर? बाजार आलू में अच्छा ही देखने को मिला है यादव जी। मंडी में 45 गाड़ी की आमदनी है, पोजीशन 17 रुपए से लेके 21 रुपए किलो की पोजीशन है। बढ़िया सुपर माल 21 रुपए, नीचे में 17 रुपए की पोजीशन है। बाजार में 45 गाड़ी, आमदनी भी ठीक है, बाजार में बिक्री भी ठीक है, बढ़िया माल। अब स्टोर भी चालू हो गया, डंप भी आ रहा है, स्टोर भी आ रहा है, पर डंप अच्छी क्वालिटी के आलू बिक रहे हैं, हल्की क्वालिटी के डंप आलू अब ग्राहक कम पकड़ कर रहा है। बिल्कुल, जो लूजिंग पे आलू आ रहे हैं या जो हल्के आलू है वो डंप में ग्राहक नहीं पकड़ कर रहा। अब स्टोर की तरफ ग्राहक का रुख ज्यादा है, स्टोर की तरफ भी ग्राहक ज्यादा ध्यान दे रहा है। बिल्कुल सर, जैसे 45 गाड़ियां हैं उसमें स्टोर वाले कितनी है? सर स्टोर वाली लगभग आप माने कि 20 गाड़ी स्टोर की है और ऐसे 25 गाड़ी डंप की है। अच्छा जी, तो इस वीक में डंप वाला तो खत्म हो लेगा जी। अब डंप वाला धीरे धीरे करें काम हो जाएगा, वो भी अब क्या है शमशाबाद ही चल रहा है, क्योंकि शमशाबाद में अच्छे माल है तो वो शमशाबाद के आलू आ रहे हैं डंप के अब तक, तो वो धीरे धीरे करके वो भी कम हो जाएगा, स्टोर धीरे धीरे और पकड़ कर जाएगा और स्टोर की आमदनी बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक डंप की आमदनी कम भी हो जाएगी। वैरायटी कौन कौन सी आ रही है सर? वैरायटी सर हाइब्रिड 302, 37, 97, यही 3-1 वैरायटी है जो हमारे यहाँ ज्यादा चलती है जयपुर मंडी में। इसके अलावा आप हाइब्रिड के अंदर वैरायटी आलू के अंदर अब आप उसमें खराती भी डाल लो, आप मोहन भी डाल लो, 302 में भी आप जो वैरायटी आएंगी वो भी डाल लो, तो लगभग ये समरी यही बैठती है कि हाइब्रिड 302 और 37। बिल्कुल, यही आलू ज्यादा। और सर लाल वाले की क्या पोजीशन रही? लाल वाले की पोजीशन 24 रुपए किलो तक है सर जी। बढ़िया आलू जो है, अच्छे आलू, वो 24 रुपए किलो तक बिके हैं लाल आलू। बिल्कुल सर जी। सर जैसे ये वाला है 20 रुपए किलो बिका है, 37-97। ये 37-97 आलू है, स्टोर का आलू है, 20.5 रुपए किलो की पोजीशन है। बिल्कुल, एक गाड़ी स्टोर की थी ये वाली बिकी गई है पूरी गाड़ी, और एक गाड़ी और थी वो भी बिक गई है खाली इसी में। बहुत बढ़िया सर जी। तो सर माल अच्छी तरह से बिक रहा है, मतलब किसी तरह? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सर, जो माल अच्छे आ रहे हैं अच्छी तरीके से बिक रहा है। ऑल्दो भाव टाइट होने की वजह से थोड़ी सी ग्राहकी में, जो पहले बहुत ज्यादा ग्राहकी हुआ करती थी उससे थोड़ी कम है, क्योंकि बाजार टाइट है, सामने भी ग्राहक ले जाता है तो उसके पैसे बने या ना बने तो उस हिसाब से ग्राहक खरीद रहे हैं, पर बिक्री ठीक है क्योंकि आमदनी कम है तो बिक्री है, पर इस भाव में ग्राहक ले रहा है क्योंकि पीछे ही बाजार टाइट है। बिल्कुल, और सर जिस हिसाब से 40-45-50 गाड़ियां आती है तो आराम से बढ़िया आराम से ये आलू बिकता रहेगा और इस भाव चलता रहेगा। अगर आमदनी कम रहेगी तो धीरे धीरे करके आलू बिकता रहेगा और ये भाव बिकता रहेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं कि भाव कम होगा। भाव कोई कम बेचने ही नहीं दे रहा है, पीछे बाजार टाइट है इस वजह से किसान भी नहीं बेचने दे रहा है। अब ये गाड़ी पूरी सुबह 20 रुपए किलो मंगाई थी पर धनी ने बेचने नहीं दिए। अच्छा, तो 20.5 रुपए किलो, 20.5 रुपए में बेची जी। ये सर अपना कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर 94-140-66-324 और दूसरा नंबर है 98-290-66-324, दुकान नंबर A26 आगरा आलू कंपनी राजधानी ट्रेडर्स। चलो धन्यवाद।